एक बात थोड़ा समझना ज़रूरी है कि जब हम किसी से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं तो जब उसे बिछड़ते हैं, सेपरेशन होता है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा दुख, थोड़ा सा दर्द तो होगा ही होगा। ये एग्जैक्टली ऐसा है कि जैसे दो कागज़ जब चिपका दिए जाते हैं और कुछ एक महीने के बाद उन कागज़ को एक दूसरे से अलग किया जाता है तो कागज़ अपने आप थोड़ा थोड़ा बीच में से फट जाता है। तो जो फटना है ना बीच में से, वो फटना, वो दर्द है, वो टीयर्स हैं, वो सॉबिंग है, वो सारी रिजेंटमेंट है जो आप अपने अंदर महसूस कर रहे हैं, तो ये तो होगा ही होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि जब सेपरेशन होगी, जो चीज़ चिपकी हुई है जब सेपरेट होगी तो उसमें दर्द और दुख नहीं होगा। वो होगा, वो लाजमी है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप कब तक उस दर्द को आगे बढ़ाते हैं ज़िंदगी में। मतलब मैं बस इतना ही कहूँगा कि अगर आपका किसी से सेपरेशन हुआ है तो इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, टीयर्स विल फॉल डाउन, सॉबिंग विल हैपन, नाराज़गी, गुस्सा, शिकायत सब होगी, लेकिन उसको ज़िंदगी भर कंटिन्यू ना करें, उसको आगे ना लेके जाएं, वहीं पे जो कागज़ फटा है उसको वहीं पे ख़त्म कर दें, उसको ज़िंदगी में कैरी फॉरवर्ड ना करें। क्योंकि जब हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं अपने सारे दर्द, पेन, सॉबिंग, टीयर्स, एवरीथिंग को, तो हम ज़िंदगी में फंसते चले जाते हैं, फिर एक लूप बन जाता है और वही सारी गलतियाँ, वही सारी चीज़ें हम अपने आने वाले रिश्तों में, आने वाले फ्यूचर में, आने वाली ज़िंदगी में ज़रूर करते हैं। सो इफ़ यू वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ दैट लूप, ब्रेक द पैटर्न, लर्न फ्रॉम द रिलेशनशिप, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम द सेपरेशन, सम टीयर्स विल फॉल डाउन, सम सॉबिंग विल हैपन, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, उसे सीखें, उसे महसूस करें, उससे कुछ सीखें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। डू नॉट कैरी फॉरवर्ड द सेपरेशन एंड द हर्ट एंड द पेन एंड द एंगर, drop it there and step forward. Thank you so much. We share, we grow.